See, problem बोला है certain name in certain computer language must be either an alphabet or an alphabet followed by a decimal digit. The total number of different variable names that can exist in that language is equals to. मैं क्या बोला है, या तो वो एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो अल्फ़ाबेट होने के चांसेस, अल्फ़ाबेट होने के कितने वेज है, 26 वेज, 26 अल्फ़ाबेट्स में से कोई एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ फिर क्या हो सकता है, एक अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय ए डेसिमल डिजिट, ठीक है। तो टोटल अल्फ़ाबेट कितना है, 26, तो उन 26 में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो उन 26 में से कोई भी मैं एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लूँ इंटू एक डेसिमल डिजिट, यानी कि डेसिमल डिजिट्स कितनी होती है 10, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 0 तक, ठीक है। तो टोटल उन 10 डिजिट में से मैं कोई एक डिजिट सेलेक्ट कर लूँ, और ये बताया हमको फिक्स है कि पहले अल्फ़ाबेट ही आएगा फिर डिजिट ही आएगा, यानी कि वो एक ही वे में हो सकते हैं, एक ही वे में उनका रोटेशन हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 26 प्लस दिस इज 26 इंटू 10, सो this is 260 plus 26, that is 286. 286 will be our answer.